चलो खूब खुश रहिए, तुम लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जो अमावस्या है सब लोग ध्यान रखना, इस बार की जो अमावस्या है वो 19 तारीख को है, ठीक है, 19 फरवरी को है, और आपकी जो अमावस्या 19 तारीख को, 18 को तो शिवरात्रि है ही, पता ही है, तो 18 तारीख को सुबह है, 18 तारीख को जो सुबह है वो रुद्राभिषेक, जो पहला रुद्राभिषेक होता है 3 बजे शुरू होगा, 3 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक चलेगा। तो वो पहला रुद्राभिषेक दरबार का प्रातःकाल 3 बजे से और प्रातःकाल सुबह 7 बजे तक कम से कम चलेगा, ठीक है। तो उसमें जितने तंत्र दीक्षित हैं और मंत्र दीक्षित भक्त हैं वो सभी लोग ध्यान रखो, कोशिश करें कि इस वाले जो रुद्राभिषेक होगा शिवरात्रि का उसको सभी लोग लाइव देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ा वो लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन देखना जरूर बैठ के, ठीक है। इससे आपको विशेष शक्ति प्राप्त होगी, केवल देखने मात्र से उसको ध्यान से जुड़े रहेंगे आप, रुद्राभिषेक से सूत्र से जुड़े रहेंगे, ठीक है। जितने दीक्षित भक्त हैं वो सभी लोग, चाहे मंत्र दीक्षित हो तो चाहे तंत्र दीक्षित हो, ठीक है, सभी लोग करते जाएंगे, देखते जाएंगे। और जिसके दशांश पूरे हो गए होंगे ये देखेंगे तो अपने आप ही आपका जो दशांश है आपके मस्तक पे स्वयं स्थिर हो जाएगा अपने आप, ठीक है, आपकी हाजिरी मान ली जाएगी, ठीक है। तो उसको आपको सबको देखना है। दूसरा, यूनिवर्सिटी का जो प्रयास चल रहा है वो तेजी से चल रहा है दरबार का, मुझे लगता है कि कुछ महीने 2 महीने के अंदर कुछ अच्छी खुशखबरी जगह की मिलेगी। ये जगह कौन सी चिन्हित हुई है कि सबको वहीं बुला के फिर माल पानी वहीं छाना जाएगा सब वो यूनिवर्सिटी होगी जिसमें तुम लोग 8,000 लाइक कर दिए, मान गए तुम लोग करौली शंकर महादेव के भक्त हो, बाबा महा के भक्त, बहुत बढ़िया। सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, सभी लोगों ने खूब भाग लिया और खूब जबरदस्त रूप से भाग लो। ये जो शामिल होने की संख्या ना आज 8,000 प्लस थी, 81-82 से कुछ लोग परिवार शामिल थे, यानी अगर 6 लोग एक परिवार में एवरेज रखे जाएं करीब 50,000 लोग इस संकल्प में शामिल थे। तो करते 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 जब फरवरी समाप्त हो, मार्च समाप्त होते होते कम से कम एक साथ संकल्प करने वालों की संख्या जो है कम से कम 25,000 लोगों की संख्या रहा करे संकल्प करने वालों की, ठीक है। तो सब लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आनंद करो, और अगले मंगलवार तो मिलेंगे मिलेंगे, बीच में शनिवार आता है तो एक दिवसीय जो लोग हवन किए हैं वो सब लोग, एक दिवसीय हवन करने वाले लोग वो सभी लोग शनिवार को भी रात को 9-10 बजे के बीच में संकल्प करेंगे, ठीक है, और मंगलवार वाला संकल्प ऐसे चलता रहेगा। हरिहर, मिलते हैं अमावस्या में और महाशिवरात्रि पर।